क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इफ क्यू 01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर पॉइंट क्यू 01, दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी 5, -3 एंड आर x, 6। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट क्यू पॉइंट पी से और आर पॉइंट से, इन दोनों से ये कैसी डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। इस बात का मतलब ये है कि क्यू पी किसके इक्वल है, क्यू आर के। ठीक है, क्यू पी इज इक्वल डिस्टेंस विद क्यू आर। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्यू पी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो वो कर लेते हैं। क्यू पी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास होगा x1 y1 और ये हमारे पास होगा x2 y2 क्यू पी के लिए। ओके, लगाइए, वैल्यू पुट करिए, x2 कितना है 5, x1 कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 -y1 कितना है 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक, और आगे सॉल्व करिए, 5 - 0 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 -4 का स्क्वायर। ओके, बिल्कुल आसान है ये तो, 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर प्लस का 16। ठीक, इन दोनों को आप ऐड करिए तो ये आया √41, 25 + 16 ये कितना आ जाएगा हमारे पास √41। ठीक, ये हमारे पास QP की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम निकालना चाहते हैं QR, तो QR आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आंसर है हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक, ये बिल्कुल आसान है, x2 और x1 डिसाइड कीजिए, QR निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 होगा और अब ये हमारे लिए x2 y2 होगा। ओके, नाउ x2 x - x1 0 प्लस y2 कितना है 6 -y1 कितना है 1 होल स्क्वायर। यहाँ x - 0 x² 6 - 1 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √x² 5 का स्क्वायर कितना 25 ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों डिस्टेंस निकाल ली, एक तो हमने डिस्टेंस निकाल ली QP और एक हमने डिस्टेंस निकाल ली QR। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP किसके इक्वल है, QR के। ठीक है, तो ये मैं इक्वल रख देता हूँ, QP हमारे पास कितना आया था √41 और QR हमारे पास कितना आया है x² + 25 ये आया है। ओके, यहाँ तक भी बात ठीक है, अब रूट से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 41 और इधर x² + 25, 25 इधर लाकर माइनस कर दीजिए, 25 इधर क्या बचेगा x² 41 में से 25 माइनस कर दिया, ये हमारे पास आ गया 16 और इधर क्या चल रहा है स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो √16 हो जाएगा ये, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी +-4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास +-4, तो ये जो पॉइंट r है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके x की वैल्यू उसने पूछी है वो मैंने निकाल दी। ठीक है, क्या आएगी +-4, ये x की वैल्यू आ गई। फाइंड द डिस्टेंस QR, QR डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, QR कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि QR किसके इक्वल है, QP के। ठीक है, QR किसके इक्वल है QP के, और QP कितना आया था √41 ये, तो QR की वैल्यू भी कितनी हो गई √41, ये समझ आया आपको, QR किसके इक्वल है
क्यू पी के, और क्यू पी की वैल्यू हम निकाल चुके थे रूट 41, तो जितना क्यू पी होगा उतना ही क्यू आर होगा, तो अगर क्यू पी रूट 41 है तो क्यू आर भी क्या होगा, रूट 41। तो ये आंसर आ गया। एक और उसने पूछा है पी आर कितना होगा, पी आर, ठीक है, तो पी आर निकाल लेते हैं। तो पॉइंट पी हमारे पास कितना है, पॉइंट पी ये है हमारे पास 5, -3, और पॉइंट आर, पॉइंट आर कितना है, पॉइंट आर है x6, ठीक है, x की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, x की एक वैल्यू तो है +4, 6, है ना। या एक और काम किया जा सकता है, पॉइंट P 5, -3 ही रहेगा, बट R X की एक और वैल्यू है हमारे पास -4, है ना, X की दो वैल्यू आई है ना हमारे पास, कौन कौन सी, +4 और -4, तो आपको दोनों के लिए डिस्टेंस निकाल के दे देनी है, ठीक है। तो पी आर निकाल लो, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2, x2 कितना है 4, x1 कितना है 5, प्लस y2 कितना है 6, y1 कितना है -3। फोर में से फाइव माइनस करेंगे, -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिक्स, -3, इसका स्क्वायर अंडर रूट, -1 का स्क्वायर 1, 6 + 3 कितना 9, 1 + 9 का स्क्वायर कितना, तो आंसर है 81। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 82। इतना यूनिट डिस्टेंस रही होगी जिसकी, पी आर की, ठीक है, ये डिस्टेंस भी बिल्कुल आसान है निकालना। अच्छा, अब आपको पता है कि हमें पी आर डिस्टेंस निकालनी है, पी आर डिस्टेंस और निकाल लेते हैं फिर से। इस बार हमने प्लस फोर की जगह क्या लिया है, -4। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो x2 कितना -4, x1 5, y2 कितना 6, y1 कितना -3, ये आ जाएगा। ओके, आगे सॉल्व कीजिए, -4 - 5 कितना -9, +6 -3, इसका होल स्क्वायर, आगे सॉल्व कीजिए, -9 का स्क्वायर 81, 6 + 3 ये भी 9 का स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा 81 + 81, तो इसको आप ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 162। इतना यूनिट, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 81, और 81 का बाहर आ जाएगा 9, अंडर रूट 2, इतना यूनिट, ठीक है ना। 162 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 81, और 81 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है 9, अंदर क्या रह जाएगा, रूट 2, तो इतना यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे किया हमने, पॉइंट क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, तो क्यू पी से और आर से कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पर, तो मैंने पहले क्यू पी कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद क्यू आर कैलकुलेट कर लिया, क्यू पी को क्यू आर के इक्वल रख दिया, कैलकुलेशन की, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +4, यानी +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। आर जो पॉइंट है हमारा x6 था ना, तो x की वैल्यू एक बार +4 और 6 रख सकते हैं आप, और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, -4 और 6, दो हो सकते हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई के लिए एक रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन ओके, सच दैट पॉइंट एक्स वाई, कोई एक पॉइंट है एक्स वाई, मैंने माना ये कोई पॉइंट है ए, विच इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, पॉइंट ए इक्वल डिस्टेंस पर है किस किस से, पॉइंट 36 एंड पॉइंट -3.4, ठीक है। इस पॉइंट का मैंने कुछ नाम रख दिया सपोज दैट बी, इस पॉइंट का कुछ नाम रख दिया सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ए बी से जो जिस डिस्टेंस पर है, ए सी से जिस डिस्टेंस पर है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, मीन्स ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, ए बी, ए बी कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये हुआ करता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर ये होगा हमारे लिए एक्स वन वाई वन, ए बी निकाल रहे हैं तो ये एक्स वन वाई वन होगा और ये क्या होगा एक्स टू वाई टू, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, अंडर रूट एक्स टू की वैल्यू कितनी है 3, एक्स वन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है 6 माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है वाई इसका स्क्वायर, ठीक। ये तो समझ में आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप बहुत बार यूज कर चुके हैं तो ये अब आपको समझ में आता है कि ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, तो ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और हमारे सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई ए बी, ठीक। इसी तरह से हमें और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए सी की, तो हम ए सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं फिर से, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे ए और सी की। ये तो हमारा एक्स वन वाई वन ही रहेगा बट अब ये हमारा एक्स टू वाई टू बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है ये दो। तो एक्स टू और वाई टू ये लेकर चलता हूँ मैं और यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स टू की वैल्यू कितनी है -3 माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है 4 माइनस वाई वन कितना है वाई इसका होल स्क्वायर, ठीक। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने कहा था जो ये पॉइंट एक्स वाई है वो ए से भी बी पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और सी पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। तो ए बी की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ए बी दिस इज 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू, ए सी कितना है -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक भी बात ठीक है। नाउ अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है। क्या किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक। अच्छा यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक। ये हमारी आ गई ये वाली साइड ओपन करके, ओके। अब इस वाली साइड को ओपन करिए आप, तो यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a की वैल्यू कितनी लेंगे -3 और b की वैल्यू x, तो देख ओपन करिए, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आ जाएगा टू ए बी, ठीक। प्लस यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर जहाँ जहाँ ओपन करने थे वहाँ ओपन कर दिए मैंने। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, देखिए थ्री का स्क्वायर नाइन, ये आएगा कितना नाइन, यहाँ लिखा मैंने नाइन, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, ये आएगा टू थ्री जा सिक्स एक्स, प्लस ये थर्टी सिक्स, प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सिक्स जा ट्वेल्व वाई इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करिए नाइन प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, टू थ्री जा सिक्स एक्स, प्लस इसको सॉल्व करिए सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट वाई, फोर टू जा एट वाई, ये हमारे पास दूसरी वाली साइड आ गई और ये वाली साइड आ गई। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, देखिए नाइन से ये नाइन कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड आ रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके। और देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर चल रहा है सिक्स एक्स, यहाँ पर कैसा है माइनस का सिक्स एक्स, ये इधर आएगा तो प्लस का सिक्स एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ माइनस का ट्वेल्व वाई है, ये इधर आकर प्लस का ट्वेल्व वाई बनेगा, और यहाँ पहले से क्या चल रहा है माइनस का एट वाई, ओके। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है थर्टी सिक्स, ठीक, इसमें से ये सिक्सटीन इधर लाकर माइनस कर दीजिए आप, तो फिर से सिक्स एक्स उधर ले गया, ट्वेल्व बाई उधर ले गया, उधर से सिक्सटीन इधर लेकर आ गया, अब फाइनली क्या बचेगा मेरे पास, सिक्स एक्स और सिक्स एक्स मिलकर कितना ट्वेल्व एक्स, प्लस ट्वेल्व बाई में से एट वाई माइनस कर देंगे फोर वाई, ठीक है, इक्वल्स टू थर्टी सिक्स में से सिक्सटीन माइनस कर दीजिए, ये कितना आएगा ट्वेंटी, ओके। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा फोर, फोर कॉमन लीजिए क्या आएगा थ्री एक्स प्लस वाई, और इधर ट्वेंटी, फोर से ट्वेंटी को डिवाइड कर दो तो फाइनली क्या बचेगा थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, या इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस वाई, फाइव इधर लेकर आ जाइए माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, ये वो रिलेशन है, किस किस का रिलेशन, तो आंसर है ये एक्स और वाई का रिलेशन है, यही रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, क्या पूछा था उसने फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई का क्या रिलेशन आया थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, या आप कह सकते हैं थ्री एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है फाइव के, ये हमारा रिलेशन आ गया एक्स और वाई का। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, पॉइंट ए था एक्स वाई, पॉइंट बी था हमारे पास थ्री सिक्स, पॉइंट सी था हमारे पास माइनस थ्री फोर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मैंने इसकी डिस्टेंस निकाली, इसकी डिस्टेंस निकाली, ओपन किया, ओपन करने के बाद सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक रिलेशन आ गया, तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1।